हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज पजेस्ड बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बच्चों, ऑप्शंस में गिवन है हमें यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम SHM को स्टडी करेंगे, इसके बेसिक्स को। तो यहाँ मान लेते हैं ये एक लीनियर पाथ है जिसमें कि ओ इक्विलिब्रियम और मेन पोजीशन है, ए राइट एक्सट्रीम पोजीशन है एंड बी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। अब किसी भी इंस्टेंट पर हम मान लेते हैं, सपोज एट टी इक्वल टू जीरो, हम मान लेते हैं पार्टिकल ने स्टार्टिंग कहाँ से की, मेन पोजीशन से स्टार्टिंग की। तो इट मीन्स मेन पोजीशन से वो कहाँ मूव कर रहा है, सपोज टूवर्ड्स द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, इट मीन्स टूवर्ड्स ए मूव कर रहा है। तो बच्चों, जब ये पार्टिकल जैसे जैसे ओ से ए की तरफ मूव करता जाएगा, इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। उसका रीजन है स्पीड का इक्वेशन, जो कि है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस द डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर फ्रॉम द मेन पोजीशन। सो यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट पी, तो मेन पोजीशन से पॉइंट पी तक का डिस्प्लेसमेंट हमें मानना है एक्स। तो बच्चों देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ एक्स बढ़ता जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो फाइनली ए पॉइंट पर आने के बाद में एट ए पॉइंट पार्टिकल की जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगी। सो ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट आ गया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए गलत आंसर है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है। अब बच्चों हम चेक करेंगे एक्सेलरेशन का इक्वेशन, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्स ओ से ए पॉइंट तक इंक्रीज होता जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पजेस नहीं करता, सो बी भी इनकरेक्ट है। अब बच्चों सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का हमारे पास में ये मैग्नीट्यूड आया था, बट यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, पार्टिकल जब ओ से ए तक आता है तो ए पर आने के बाद में वो 180 डिग्री टर्न होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, एज वेल एज हम यहाँ देख चुके हैं कि यहाँ तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। सो बच्चों, पार्टिकल की जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू।